हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी विप्लव देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रामपाल जी हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा, उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि दो महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, दो महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से एक महीने पहले मैंने हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रामपाल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक त्रिपुरा सा अकॉर्ड साइन किया। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक अग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया, ये हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी पुसा को, हमारे बुकुमबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति इंडिजिनस हानी गुस्सा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारे इतिहास को बदला, हमारे गरीब त्रिपुरा सा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चे का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने त्रिपुरा साहब को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख,
शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है, आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है, और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए, बात करने के लिए आया। मैं अंत में गृहमंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृहमंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और दो शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीपरा सा दोफा आई क्लोथोन, तीपरा सा जाति आई क्लोथोन, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बराय बराय महामाय खुरु का धन्यवाद। थैंक यू।